कंकड़ों से बचने के लिए हम पदवेश पहनते हैं, भिन्न प्रकार के जूते पहनते हैं, और अच्छे जूते पहनकर कांटों के मार्ग पर चलना सरल हो जाता है। परंतु जब ये कंकड़, जब ये कांटे हमारे जूतों में होते हैं तो सरल मार्ग पर चलना भी कठिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये कंकड़, ये कांटे हमारे मन में होते हैं। ये कंकड़, ये कांटे होते हैं हमारा अतीत, जिसके भय के कारण हम उसे वर्तमान में स्वीकारना नहीं चाहते। कदाचित इसीलिए हमारे अतीत को भूत कहा गया है, क्योंकि एक भूत की भांति हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अपने अतीत के भयावह घटनाओं से भागे नहीं, उसे स्वीकारें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा। अर्जुन को मैं दोस्त के लिए ललकार रहा हूं और उसका सारथी उसे भगा ले जा रहा है। क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए माधव। चयन पर सबका अधिकार है अंगराज, तुमने प्रश्न करने के अधिकार का चयन किया और मैंने उत्तर ना देने का। कर्तव्य, कर्म और धर्म स्थापना में हर कोई अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। कर्ण, तुमने अपना कर्तव्य चयन किया और मैंने अपना। क्या इस युद्ध के मध्य में मैंने तुमसे कभी पूछा कि न्याय क्या है? क्या तुमसे ये पूछा कि इतिहास में किस भांति तुम अपना नाम लिखाना चाहते हो? तुम और तुम्हारे सारथी के मध्य में ना आना मेरी सीमा है, तो मेरे और मेरे रथी के मध्य में ना आना तुम्हारा कर्तव्य अंगराज। नहीं माधव, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सूर्यास्त होने को है, आज यह द्वंद समाप्त होकर रहेगा। तो ठीक है अंगराज, तुम अपना महारथी होने का कर्तव्य पूर्ण करो और मैं सारथी होने का कर्तव्य निभाऊंगा। केवल शब्दों के बाणों से अर्जुन और वासुदेव को नहीं रोक पाओगे कर्ण, उसके लिए तो महा दिव्यास्त्र चाहिए। मेरे धैर्य को मत ललकारिए माधव, मैं इस युद्ध के लिए कुछ भी करूंगा। यदि आप ना रुके तो मैं दिव्यास्त्र का प्रयोग करूंगा, मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। पराजय ने तो तुम्हारी बुद्धि तक हर ली अंगराज, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन भी जानता है। यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए तो इस युद्ध का ही नहीं संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कर्तव्य युद्ध समाप्त करना है मदराज। सृष्टि की चिंता नारायण जाने। तुम्हें जो करना उचित लगे तुम कर सकते हो कर्ण, किंतु मेरे रुकने का समय अभी नहीं आया है।
ही बात। श्राम तो मैं श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। अंगराज, प्रहार करो। ये प्रहार मेरे लिए प्रतिबंधित है मदराज। रथ को आगे ले चलिए। बस कीजिए माता, अब सहन नहीं होता। सहना है भी नहीं पार्थ। अब समय आ गया है।
अंगराज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, मैं मदराज हूं। ये राज्य मुझे जन्म और प्रताप से मिला है, किसी के दान से नहीं। भले ही मैं तुम्हारा साथी हूं, परंतु परिचालक नहीं, तुम सूर्यपुत्र हो। तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। समझ आया महारथी सूर्यपुत्र? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। परंतु माधव, वो अभी वीरत है, शस्त्रहीन है। तुमने मुझे वचन दिया है पार्थ कि तुम अपने सारथी की हर आज्ञा का पालन करोगे। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अभी तू आज तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। क्यों आज्ञा माधव? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। अंगराज, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आवाहन करता हूं। हर दिशा में फैल जाओ, रथ के चक्रों के चिन्ह का पीछा करो। हमें शीघ्र ही अर्जुन तक पहुंचना है। सारथी, आगे बढ़ो। ये कैसी नीति है माधव? इस समय अर्जुन रथ पर है और मैं रथ विहीन। ये नीति नहीं है। नीति तो ये भी नहीं अंगराज कि एक भागते हुए योद्धा पर प्रहार किया जाए, उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए, जो तुमने किया। आप कह रहे हैं तो उचित ही होगा माधव, परंतु युद्ध से पूर्व मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दीजिए। अर्जुन कहाँ है? सूर्य अस्त होने में ज्यादा विलंब नहीं और अर्जुन का कुछ पता नहीं चल रहा। माधव रथ को उस ओर ले गए थे, हमें उस तरफ चलना चाहिए। सारथी, आगे बढ़ो। सारथी, शीघ्रता करो, उस ओर चलो। नहीं अंगराज, सूर्यास्त होने को है, समय शेष नहीं है। तुम्हें अभी और इसी क्षण युद्ध करना होगा। आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा, बताइए माता। चिंतित ना हो माताश्री, पुत्र सुरक्षित है।
कौन सा पुत्र द्रौपदी? तुम भी एक माता हो यज्ञसेनी, यदि तुम्हें यह विकल्प दिया जाए कि तुम्हारा एक पुत्र जीवित होगा और एक को अपने प्राण देने होंगे, तुम किसे चुनोगी? बताओ द्रौपदी, क्या ऐसा निर्णय लेने का साहस है तुम्हें? उत्तर दो मुझे। अपनी किशोर अवस्था में की गई भूल के कारण मुझे अपना समस्त जीवन इस रहस्य के साथ व्यतीत करना पड़ा। मैं अपनी इस भूल का पश्चाताप अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाऊंगी। मैं अपना जीवन अपने पांच पुत्रों के साथ व्यतीत कर रही थी। एक माँ होने का पूरा कर्तव्य निभाया मैंने, किंतु मेरा एक पुत्र जिसे ना पिता का नाम मिला ना माता का स्नेह, वो अपने समस्त जीवन में एक पुत्र होने के समस्त सुखों से वंचित रहा। और मैं एक अभागन माता उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। कर्ण के साथ जो मैंने अन्याय किया उसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। बताओ मुझे, भला एक माँ अपने किसी पुत्र की मृत्यु का चुनाव कैसे करे? किसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूं? यदि एक के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूं तो उसका अर्थ ये होगा कि दूसरे पुत्र की मृत्यु के लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करूं? उस पुत्र के लिए जो सदैव मुझसे दूर रहा है, इसे कभी अपने वास्तविक माता पिता का स्नेह नहीं मिला, या उस पुत्र के लिए जो सदैव हमेशा मेरे साथ रहा है, इसका पालन पोषण मैंने अपने हाथों से किया है? बताओ द्रौपदी, मैं किसके लिए प्रार्थना करूं? मित्र त्रिवेदन, उधर देखो। ये पांडव एक साथ उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर मित्र कर्ण गया है अर्जुन के पीछे। अवश्य कोई योजना है। मुझे कर्ण की सहायता के लिए उसके पास जाना होगा। अश्वत्थामा, मित्र तुम्हें क्या लगता है इसमें पांडवों की क्या मंशा है? पता नहीं मित्र, परंतु मेरा हृदय कह रहा है कि कर्ण किसी संकट में है, मुझे जाना होगा। सारथी चलो। आज जो हो रहा है वो तुम्हें अनीति लग रही है कर्ण? स्मरण करो जो तुम सपने मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो नीति थी? क्या वो धर्म था?
उस निहत्थे पर तुम सबने निर्दयता से प्रहार किए, उसकी मृत्यु को कठिन बनाकर तुम सबने मनोरंजन किया। वीरत और शस्त्रहीन अभिमन्यु भी था कर्ण, क्या तुम सबने उसके साथ न्याय किया? यदि वो अनीति नहीं थी तो भला ये अनीति कैसे हो सकती है कर्ण? परंतु मैं अभिमन्यु का पिता हूं, मैं तुम्हें एक घड़ी का समय देता हूं कर्ण, सज्ज हो जाओ। मदराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। जब तक मेरे गुरु का विजय धनुष मेरे हाथ में है, कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र कीजिए। सोच क्या रहे हैं मदराज? क्या एक सारथी की भांति आप आज्ञा का पालन करेंगे, या नकुल और सहदेव के मामा होने के नाते विश्वासघात? नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। ये तो तुम्हारी करनी है अंगराज। एक महारथी को तुमने अपना सारथी बनाया, उसका अपमान किया, इसका दंड तो अवश्य मिलेगा। मैं अपने रथ का चक्र निकाल रहा हूं, यदि पीठ पे वार करना चाहते हो तो करो अर्जुन। बंदरों का रथ उसी ओर जा रहा है। चलो। समय समाप्त हो रहा है पार्थ, सूर्यास्त होने वाला है। कर्ण को अंतिम चेतावनी दो पार्थ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कर्ण, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। मदराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। चेतावनी का समय समाप्त हुआ पार्थ, बाण संधान करो। प्रहार कीजिए अंगराज। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। परंतु माधव,
माधव वो निहत्था है। नहीं पार्थ, अंगराज अभी आक्रमण कर रहे हैं। अपनी दृष्टि से अनेकों बाण बरसा रहे हैं। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। अंगराज को परास्त करना असंभव हो जाएगा। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ। अभिमन्यु की पीड़ा को स्मरण करो। प्रहार करो पा, प्रहार करो। क्या है माधव? अधर्म की नींव को गिराने के लिए भवन के सुंदर कंगूरे का भी अंत करना पड़ता है। कर प्रहार करो पार्थ। समय व्यर्थ मत करो पार्थ। प्रहार करो। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.